ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जय वेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। अरे तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल ठीक है। फजीता, ओ फजीता, किसी के हाथ ना आएगी ये फजीता। क्या हुआ तू चिल्ला रहे हो? मैं कपड़े कहाँ है मेरे, मुझे जाना है, कपड़े नहीं मिल रहे मुझे। अरे कपड़े मिलेंगे कहाँ से, मैंने धोए नहीं। क्यों? अरे रात मैंने एक फिल्म देखी थी। अच्छा। उसमें बता रहे थे दोनों लड़का लड़की बराबर है, दोनों का स्टेटस बराबर है, दोनों का स्थान बराबर है, समाज में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, तो मैं अकेली काम क्यों करूं? तू अपने कपड़े खुद धोएगा, मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगी। और सुन बोए, चार बच्चे हमारे, दो के रट्टी पे साथ तू साफ करेगा, दो के रट्टी पे साथ मैं साफ करूंगी। अब लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, सारा काम लड़कियां क्यों करें, खुद कर अपने काम। चल मैं फजीता एक बात सुन ले भाई। हाँ। जब तुम लड़कियों की शादी होती है, सात फेरे होते हैं, निकाह होता है, जब तुम लड़कियां क्या वादा करती हो भाई? यही वादा करती हैं भाई, जिंदगी भर तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे। तो फिर शादी के बाद क्या हो जाता है? आए हाय, तो इतने हजारों आदमी के साथ तुझसे बहस करती? तू भी तो बारात में पता नहीं किस किस को ढाला है, अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मामू को, फुफा को, चाचा को, सबको ले आया। मैं दुल्हन बनी हुई तुझसे बहस करती भी अच्छी लगती? मैंने कहा चलो भाई, पहली पहली बार दूल्हा बना, इसकी बार हर बात की हाँ हाँ मिला दो। मैंने तेरा दिल लगने के लिए हाँ बोल दिया, तू तो सीरियस ही ले गया पगले। बस तुम लड़कियां भी बड़ी काइयां होती है, जब तुम्हारा रिश्ता देखने जाओ तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल कोयल की तरह होती है। साला शादी के बाद कौन से वूफर लग जाते हैं उसमें? देखो चिलगोजे रैप्टा मार के मुंडी घुमा दूंगी। देख रिश्ता देखने जाओ, तुम लड़कों के भी तो यहाँ तक बाल होते हैं, पेट बिल्कुल अंदर होता है, शादी के बाद कैसे आड़ तिर से हो जाते हो? हम भी तो बर्दाश्त करते हैं। दिमाग खराब कर रही है। सुन लो बहनों, लड़का लड़कियां बराबर होते हैं, सारे न्यूज में चल रहे हैं, अखबारों में चल रहे हैं, फिल्मों में दिखा रहे हैं, जब बराबर है तो बराबरी का। हेलो, हाँ चुगल्लवा जी। और वैदवा जी कैसी हो, पति देव कैसे हैं? अरे बहन पति का नाम मत लो, सबसे जिंदगी झंड तो इन पतियों ने कर रखी है। कैसे? अरे है, इन पतियों को भी छोटी मोटी सास घोषित कर दो, ये भी कम ताने थोड़ी ना मारते हैं। तुमसे पूरे दिन काम ही नहीं हुआ, तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो, ये भी सास से कम थोड़ी ना है। अरे है, और मेरे तो ऐसा बावला पल्ले पड़ा है, ऐसे अपना सामान का ही नहीं पता, सुबह ऐसा दिमाग का चूरन करेगा ये आदमी, मेरी कमीज कहाँ है, मेरे मोजे कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है। अरे बावले तू रात को लाके रखता है, तुझे नहीं पता कहाँ है। और अगर इससे छोटा मोटा काम बोल दूं कि रुमाल अलमारी में से निकाल लो, अरे पूरी अलमारी बाहर फेंक देगा, गूदड़ बना देगा अलमारी का, ऐसा बावला है। मैं के चली जाऊं ना, मेरा पूरा दिमाग भैया घर पे लगा रहता है, मैं 2-3 दिन ज्यादा रुकती नहीं हूँ। मैंने कहा उधेड़ के फेंक देगा, पूरा घर जंगल बना देगा। 4 साल हो गए शादी को, अभी तक समझा रही हूँ, जूते बाहर उतार कर आया करो, कमर कमर तक लेकर आएगा, पूरे घर में जूते पहन के घूमेगा, बावला ऊंट हाथ धोकर आएगा, बस तौलिया से नहीं पहुंचेगा, पर्दे से पहुंच लेगा, मेरे दुपट्टे से पहुंच देगा, बेड की चादर से पहुंच देगा, पर्दों से पहुंच देगा, लेकिन तौलिया से ही नहीं पहुंचेगा। अरे ऐसे बावले पत्नियां हैं, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा तो मन करता है इन पर झाड़ू में फेर दूं रख के, लेकिन भैया पाप चढ़ेगा, मार नहीं सकते, गुनाह है पतियों को मारना, मेरा तो बड़ा मन करता है। एक आ गए, अब आते ही खाना चाहिए, पूरे दिन करके आ रही थी, यूं है मुझे कैसे ताने मारेंगे, सास से कम थोड़ी ना मेरा वाला भी। चल कर रही हूँ तुझे गुना, फिर करूंगी। हेलो, हेलो फजीता वाली, कैसी हो तुम? अरे बहन लड़कियों से मत पूछा कर, कैसी हो कैसी नहीं हो। क्यों? अरे बहन हम लड़कियों की तो जिंदगी शादी से पहले भी झंड, शादी के बाद भी झंड। कैसे? अरे शादी से पहले कौन था, हम अपनी मर्जी के सारे काम कर रहे हैं, बड़े गले का सूट मत पहनो, छोटे गले का सूट मत पहनो, आधी आस्तीन का मत पहनो, पूरी आस्तीन का मत पहनो, ज्यादा छत पे खड़ी मत हो, खिड़की पर मत खड़ी हो, किसी फ्रेंड की शादी में जाना हो तो कौन सी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, उसका नाम क्या है, उसका नंबर देके जा, वो रहती कहाँ है, अपने भैया को साथ लेके जा। अरे एक टेंशन है, जिंदगी झंड करके रखते हैं और न्यू और कहेंगे भैया जो करना ना शादी के बाद कर लेना अपने पति के साथ, ये पति है, ये ऐसा मिला, ये घर वालों से भी 4 कदम आ गया है, इसके सामने घूंघट करो, उसके सामने ऐसे मत आया करो, ऐसे मत बैठा करो, मेरे अब्बा बैठे हुए तो यूं मत करा करो, ऐसे झुक कर आया करो, लेट का आया करो, बैठ का आया करो। अरे भैया ये बीबी थोड़ी ला रोबोट लाया है, और सुन ले ससुराल में ऐसे बैठती हूँ
जैसे तमाशा नहीं करते वो मदारी उनकी बंदरिया की तरह पूरे दिन मेकअप करके रहूं, लाल लिपस्टिक पाउडर फलाना ऐसी बंदरिया लगती हूँ, ऐसे घूमती रहे मतलब के मेकअप उतर न जाए मेरा जरा सी देर, ऐसी सास बुढ़िया मेरे पीछे। हेलो, हाँ चुगल्लाबाजी। और वैदाबाजी कैसी हो, पति देव कैसे हैं? अरे बहन, पति का नाम मत लो, सबसे ज्यादा जिंदगी झंड तो इन पतियों ने कर रखी है। कैसे? हाय, इन पतियों को भी छोटी मोटी सास घोषित कर दो, ये भी कम ताने थोड़ी ना मारते हैं। तुमसे पूरे दिन काम ही नहीं हुआ, तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो, ये भी सास से कम थोड़ी ना है। अरे हाय, और मेरे तो ऐसा बावला पल्ले पड़ा है, ऐसे अपना सामान का ही नहीं पता, सुबह ऐसा दिमाग का चूरन करेगा ये आदमी, मेरी कमीज कहाँ है, मेरे मोजे कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है। अरे बावले, तू रात को लाके रखता है, तुझे नहीं पता कहाँ है। और अगर इससे छोटा मोटा काम बोल दूं कि रुमाल अलमारी में से निकाल लो, अरे पूरी अलमारी बाहर फेंक देगा, गूदड़ बना देगा अलमारी का, ऐसा बावला है। मैं के चली जाऊं ना, मेरा पूरा दिमाग भैया घर पे लगा रहता है, मैं 2-3 दिन ज्यादा रुकती नहीं हूँ। मैंने कहा उधेड़ के फेंक देगा, पूरा घर जंगल बना देगा, 4 साल हो गए शादी को, अभी तक समझा रही हूँ, जूते बाहर उतार कर आया करो, कमर कमर तक लेकर आएगा, पूरे घर में जूते पहन के घूमेगा, बावला ऊंट हाथ धोकर आएगा, बस तौलिया से नहीं पहुंचेगा, पर्दे से पहुंच लेगा, मेरे दुपट्टे से पहुंच देगा, बेड की चादर से पहुंच देगा, पर्दों से पहुंच देगा, लेकिन तौलिया से ही नहीं पहुंचेगा। अरे ऐसे बावले पत्नियां हैं, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा तो मन करता है इन पर झाड़ू में फेर दूं रख के, लेकिन भैया पाप चढ़ेगा, मार नहीं सकते, गुनाह है पतियों को मारना, मेरा तो बड़ा मन करता है। एक आ गए, अब आते ही खाना चाहिए, पूरे दिन करके आ रही थी, यूं मैं देख के ताने मारेंगे, सास से कम थोड़ी ना मेरा वाला भी, चल कर रही हूँ तुझे, फिर करूंगी।